कुर्बानी से मुतल्लिक बताइए ईद की। अस्सलाम वालेकुम। मैं जितनी भी मेरे व्यूअर्स हैं, जितनी भी जो लोग पश्चिम बंगाल में हैं, मैं पूरे भारत की बात ना करते हुए पश्चिम बंगाल की क्योंकि मैं हूँ, इसलिए मैं यहाँ की बात कर रही हूँ। आने वाले बकरीद के लिए अब तमाम लोगों को, जितनी भी कास्ट और क्रीड के लोग हैं, उन तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। और साथ ही साथ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि एक अच्छे नागरिक की तरह, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न की तरह, हम सबको चाहिए कि हम हर के फेस्टिवल को, हर जात धर्म के फेस्टिवल को वैल्यू दें और वैल्यू के साथ साथ ये मान्यता दें और ये दिल में ख्याल रखें कि किसी के साथ भी कुछ गलत ना हो और समाज में एक ऐसा र्यूमर या एक ऐसी बात ना फैल जाए जिससे ये समझ में आए कि हम एकता नहीं पसंद करते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान इस बारे में, इस चीज़ के लिए बहुत माना जाता है बाहर देशों में भी कि हम बहुत प्यार से हर जात धर्म के लोग एक साथ रहते हैं और पश्चिम बंगाल में भी हर कौम के लोग बहुत प्यार से रहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे मौजूदा सरकार काम कर रही हैं जिससे ये साबित वो करना चाह रही हैं कि वो मुसलमानों के बहुत पक्ष में हैं, लेकिन अगर बहुत सारी चीज़ों को देखा जाए तो मुसलमान का भी कोई भी काम नहीं हुआ है। तो इन चीज़ों पर, थोड़ी सी बातों पर गुस्सा में आकर या किसी भी तैश में आकर या किसी भी तरीके से कोई कोई बहकावे में आकर के ऐसे कोई भी कदम को आने वाले मुबारक महीने में, आने वाले मुबारक फेस्टिवल में नहीं उठाना है किसी को भी, किसी भी धर्म वाले लोगों को, जिससे मौजूदा सरकार के वोट में फायदा हो जाए और लोगों तक ये मैसेज पहुंचे कि किसके गलती जनता से हुई है। जनता को रिस्पॉन्सिबल नहीं बनना है। कुर्सियों के लालच में जो सरकार कर रही है उसका निशाना हमें बिल्कुल नहीं बनना है। हम वोट बैंक नहीं है, हम मुसलमान हैं, हम जानते हैं कि हमको यूज किया जा रहा है और अब हम यूज नहीं होंगे इंशाल्लाह। नाजिया लाइकन एडवोकेट।